किसान भाइयों, स्वागत है आपका इस चैनल में। जिन किसान भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो रेड वाला बटन क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे गन्ने की आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे की जा सके, आज के समय में महंगाई का समय चल रहा है, और अच्छा उत्पादन कैसे यील्ड ले सकें गन्ने की। तो किसान भाइयों, मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ गन्ने का बीज। तो किसान भाइयों, मैं ट्रेंच बीज से खेती करता हूँ, जो आप सह फसली भी ले सकते हैं। सह फसली में कई फसलें आती हैं, धनिया, मसूर, राजमा, आलू, और अपने क्षेत्र के हिसाब से कोई भी फसल ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं मसूर की खेती लेता हूँ अक्टूबर सेविंग गन्ने की बुआई करने के बाद में, और जो मेरा मसूर होता है एक एकड़ में 7 क्विंटल मसूर निकल जाता है। और जो मेरा रहा गन्ने का उत्पादन, तो गन्ना मैं 750 क्विंटल एक एकड़ में उत्पादन प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, जो मेरी सह फसली होती है, वो जितनी भी होती है मेरी, उसको बेच के और हम गन्ने की अच्छी सेवा कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने 7 क्विंटल मसूर बेच के, मतलब मेरे हो गए थे वही 36,000 के एक एकड़ में। तो जितना भी मेरा होता है गन्ने पे खर्चा, वो सह फसली से आ जाता है। तो किसान भाइयों, मैं भी आप लोगों को कहूँगा कि आप भी ऐसी ही गन्ने की पैदावार बढ़ाएं। जो आज का समय महंगाई का है, तो किसान भाइयों, इस चैनल में आप लोगों को गन्ने के ही वीडियो अपडेट होते रहेंगे। तो किसान भाइयों, आप चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो देखें, और आप भी अनुभव प्राप्त करें गन्ने की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कैसे ली जा सके। किसान भाइयों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये मैंने स्पेशल बीज का ही प्लॉट दिख रहा है आपको, जो मैं स्पेशल बीज बनाता हूँ और इसकी बुआई करूँगा। ये नहीं है कि किसान भाइयों किसी भी खेत से बीज काट लिया और बुआई कर दी, इससे भी हमारा उत्पादन पूरा नहीं प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, मैं जो बीज लेता हूँ, हर साल अलग बुआई करता हूँ अलग खेत में, और उसको स्पेशल तैयार करता हूँ, जिससे वो स्वस्थ रहता है बीज। जब मेरा बीज स्वस्थ रहेगा और उत्पादन अच्छा मिलेगा, और जब बीज हमारा स्वस्थ नहीं है और रोग रहित नहीं है, उसमें रोग लगे हुए हैं, तो उत्पादन पे असर पड़ता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको मैं बीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो किसान भाइयों, मैं गन्ने की खेती से अच्छा उत्पादन ले रहा हूँ, जो कि अवार्ड भी मिल चुका है मुझको गन्ने की खेती से। तो किसान भाइयों, मैं ये बताऊंगा कि ट्रेंच विधि से कैसे बुआई की जाती है। आप जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपको बराबर अपडेट मिलती रहेगी। और किसान भाइयों, कई किसान भाइयों से बात होती है, कॉल्स आती हैं हर क्षेत्र से, तो कईयों का कहना है कि हमारा उत्पादन 250 या 300 क्विंटल ही रह जाता है जब अच्छी तरीके से खेती करते हैं। तो मैंने कहा, किसान भाइयों, कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रह जाती है, जिससे उत्पादन प्राप्त नहीं रहता है। तो किसान भाइयों, आप लोगों के लिए मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इसको आगे भी शेयर करते रहिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और किसान भाइयों, जब मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपको उसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे, ट्रेंच बीज से कैसे बुआई की जा सके, और 700 से ऊपर का एवरेज यील्ड गन्ने की कैसे ली जा सके। तो किसान भाइयों, आप 4x4 की फुट की दूरी रखें, 4x4, और बट्स 4 इंच पे रखते चले जाएं और बुआई करते चले जाएं। 2.5 से 3 इंच मिट्टी डालें, और उसके बाद में 15 दिनों के बाद उस पर पानी लगा दें, और आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये जो आप देख रहे हैं गन्ना, ये मेरा गन्ना तार की फिनिशिंग की हुई है, इसलिए कि ये स्पोर्ट लगाई है तार की, कि ये बरसात वगैरह में जब पानी गिरते हैं, हवाएं चलती हैं, तो ये बीज ना गिरे मेरा। देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, गन्ने की सपोर्ट लगाई गई है, जिससे अगर मेरा बीज गिरेगा, बीज गिर के ख़राब हो जाता है, और गन्ने की बुआई जब हम करेंगे तो अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, ये आप प्लाट देख रहे हैं मेरा, ये स्पेशल बीज के लिए लगाया गया है। तो ऐसे मैं बीज के लिए हर साल अलग अलग टुकड़ों में बीज लगाता हूँ।
और फिर यहीं से कटाई करके बुआई करता हूँ।